क्या आप भी पाना चाहते हैं कोरियन स्किन, अपने स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करना चाहते हैं, बढ़ती उम्र के लक्षण को रोकना चाहते हैं, अपनी उम्र से 5 से 10 साल जवान दिखना चाहते हैं, अपनी स्किन को यूथफुल यंग दिखाना चाहते हैं, ग्लास स्किन पाना चाहते हैं, तो आज की ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% नेचुरल है। ये क्रीम आपके स्किन से दाग धब्बे को रिमूव करेगी, साथ ही डलनेस को दूर करेगी, रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, बढ़ती उम्र के लक्षण को रोकेगी, आपके स्किन को ग्लोइंग चमकदार बनाएगी। अगर आपके फेस पे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की ये क्रीम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, 100% नेचुरल है। तो आइए अब जान लेते हैं मेरे बारे में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त कामे, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को फटाफट कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक तरोई लेनी है। तरोई की सब्जी इतनी खाने में अच्छी होती है, उतनी ही ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमें इसे अच्छे से धुल लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में इसके काट लेना है, स्लाइस कर लेनी है। जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे ही आपको इसके छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। तरोई में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। ये इसे मैंने अच्छे से काट लिया है। अब इसके बाद हमें एक खाली बर्तन लेना है, खाली एक पैन लेना है जिसमें हम पानी वगैरह बॉयल करते हैं, उसमें इसको पीसेस को ट्रांसफ़र कर देना है और एक ग्लास आपको पानी ऐड करना है। इसे हमें 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पे, ये अच्छे से पक जाए इतना हमें इसे पकाना है। इसे चलाते रहना है, ये चिपकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये पक के सॉफ्ट हो जाएगी, तब इसे हमें नीचे उतार लेना है। हमारे यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, मैंने इसे नीचे उतार लिया है और इसे मैं ठंडा कर लूँगी। उसके बाद हमें लेना है ग्राइंडर की हेल्प से, इसे ग्राइंड कर लेना है, अच्छा पेस्ट बना देना है इसका। मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसका स्मूथ पेस्ट बन के हो चुका है रेडी। इसे अच्छे से पीस लिया है और इसका पेस्ट बन के हो चुका है रेडी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। अब इस पेस्ट को हमें एक छन्नी की हेल्प से एक साफ बर्तन में इसे छान लेना है, इसका स्मूथ पेस्ट हमें निकाल लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको ऐसे ही करना है, इसे छान लेना है अच्छे से। मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, इसका पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें मिक्स करना है हमें यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, ये आपस में अच्छे से मिल जाना चाहिए, इतना हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिला लिया है। अब इसके बाद हमें 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाना है, ये चिपकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक क्रीमी टेक्सचर बनके रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसे नीचे उतार लेना है और एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक खाली पैन लेना है, उसमें हमें फ्लैक्सीड ऐड करनी है 1 चम्मच, 1 चम्मच हमें अलसी के बीज लेना है और 1 कप आपको इसमें पानी ऐड करना है। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स तक इसे अच्छे से पकाना है, इसे चलाते रहना है, ये चिपकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक जेल फॉर्म बन के रेडी हो जाएगा, जेल की तरह बन जाएगा, इतना हमें इसे पकाना है। तो मेरे यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुके हैं कंप्लीट, मैंने इसे नीचे उतार लिया है और आपको इसे गर्म ही छानना है, ठंडा हो जाएगा तो ये छनेगा नहीं, तो आपको इसे गर्म ही छानना है, जैसे मैं छान रही हूँ आपको ऐसा ही छानना है। उस क्रीम में इसे मिक्स कर देना है, इसके जेल को आप दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिल जाएगा। चलिए जब तक कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आपको मैं फ्लैक्सीड के बारे में बता देती हूँ, अलसी के बीज के बारे में, ये हमारी स्किन पे क्या काम करती है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये हमारे स्किन से एजिंग प्रोसेस को डिले करती है, रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हमारी स्किन को यूथफुल यंग बनाती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तब आप यहाँ पे आलमंड ऑयल या फिर जैतून का तेल या कोकोनट ऑयल या फिर विटामिन ई के कैप्सूल 2 से 3 इसमें ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच। क्रीम हमारे यहाँ पे बन के हो चुकी है पूरी तरह से रेडी। अब इस क्रीम को हमें एक साफ कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना है। आप इस क्रीम को 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपको इसे यूज करना हो तब आप इसे बाहर निकालिए, अदरवाइज इस क्रीम को आप फ्रिज में ही स्टोर करके रखिए, ये खराब नहीं होगी 10 से 15 दिन तक। आइए अब जान लेते हैं इस क्रीम को आपको लगाना कैसे है अपने फेस पे। इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, जब आपको नाइट में लगाना है अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, ड्राई आउट कर लेना है। उसके बाद इस क्रीम को आपको लेना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको इस क्रीम को लेना है, जितनी आपके फेस पे लग जाए उतनी आपको इस क्रीम को लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के अच्छे से आपको मसाज करनी है। उसके बाद इसे ओवरनाइट में लगा के छोड़ देना है और आपको सो जाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं उसे आपको अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है, धुल लेना है। आप इस क्रीम को 2 से 3 दिन यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस क्रीम से।
अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट जल्दी से करके लाइक और नीचे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए और की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और चैनल को फटाफट जल्दी से करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करने को भी ना भूलें जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो वीडियो फटाफट जल्दी से करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही वीडियोस ट्राई करते रहिए। बाय बाय, केयर।